सो गाइस, अभी हम आ गए हैं 5-6 फ्रेंड उदयपुर और अभी हम हैं फतेह सागर के आसपास। और गाइस, हम आए हैं आज शिल्पग्राम उदयपुर घूमने के लिए और वहां पर हमारी कार पार्क होने वाली है और यहां हमारे महेश भाई खड़े हुए हैं। और गाइस, आज हम देखते हैं कि भाई साहब शिल्पग्राम में हमें क्या देखने को मिलता है। सो गाइस, हमने 6 टिकट ले लिए हैं और 55 रुपए का हमारा टिकट है। तीन हजार रुपए की शॉल है, पता आपको? और यहाँ पर हमें देखने को मिला है खूब सारे क्रॉकरी के आइटम। और गाइस, ये जितने भी आपको आइटम्स दिख रहे हैं ना, ये है सारे मिट्टी के जो पिछले के ज़माने में लोग यूज़ करते थे। और ये आपके छोटे वाले वाटरफॉल, कितने रुपए की? 150 की ना ये? ये 500 की एक? ये 500 की, 150। क्या बात कर रहे हो, फिनिशिंग तो बहुत ज़बरदस्त है यार, मेहनत लगी खूब सारी है ना। और यहाँ पर मिल जाएंगे आपको खूब सारे कप, कुछ मूर्तियाँ हैं और काफ़ी सारी चीज़ें। और दोस्तों, वहाँ पर जो मैंने आपको एक शॉल बताई थी ना, वो थी रेबिट के बाल की। जी हाँ गाइस, मतलब खरगोश के बाल की वो जो शॉल थी, और वो 3000 की थी, मतलब काफ़ी महंगी है, थी ना, अमेजिंग चीज़। ये छोटी सी हमें देखने को मिली है एक सितार, जो कि बजती है कि नहीं बजती हमें नहीं पता, पर ये 50 रुपए की सितार है। ये देखिए, हमारे महेश बाबू बजाएंगे। उल्टा है, हाँ सब सीधा है। जैसे जैसे शाम बढ़ रही है, वैसे वैसे लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। और हमारा लोकसा है जो शिल्पग्राम मेले का लुत्फ उठाते हुए और इस तरह बना हुआ है अपना कला विहार। इसके अंदर काफ़ी सारी कलाएं देखने को मिल जाती हैं। अभी हम इसके अंदर जाने वाला हैं। ये आ गए हम कला विहार के अंदर, अब देखते हैं इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। पेंटिंग से हो गई है कला विहार की शुरुआत। कठपुतली म्यूजियम जिसके ताला लग रहा है। तो गाइस, हम कला कला देखते देखते ऊपर आ गए और उसके ऊपर आके देखा छत है, इसके ऊपर कुछ है ही नहीं। और इस तरफ है अपना मेले के खूब सारे लोग हैं, जिसको आप देख सकते हैं यहाँ से। और वो सब लोग हैं जो मेले का लुत्फ उठा रहे हैं। और काफ़ी सारे यहाँ पर दुकानें लगी हुई है बिल्कुल देसी तरीके से। Thank you.
यहाँ पे आपकी रोलिंग वाली आइसक्रीम। यहाँ मिली है हमें खूब सारी जुतियाँ, ये देख सकते हैं। और हमारा मेला यहाँ पर संपूर्ण हो गया है और सारे हमारे भाई लोग यहाँ से बाहर निकल गए हैं। और हमारे लोकसा गए हैं कुछ इनाम देने के लिए और बच्चे का टैलेंट देख सकते हैं आप। और हमारे सारे जवान कार की तरफ बढ़ रहे हैं और पीछे पीछे जा रहे हैं हमारे लोकसा। तो लोकसा कैसा रहा मेले का सफर? फिलहाल मेले के अंदर जो
गेला था वो बहुत अच्छा था। ठीक है, आगे की बात है ना, घर जाके बात करते हैं। तो अब हमारा टेबल जॉइंट हो गया है और ये है हमारा रमेश भाई और इनके होटल पे आ गए हैं। अब महेश भाई देख रहे हैं गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल गए थे हम उदयपुर शिल्पग्राम मेले में घूमने के लिए और भाई साहब अभी हम उठे हैं और खेतों की तरफ आ गए हैं। दोस्तों मेले में गए हम और वहाँ पर है ना 85% मान लो आप या फिर 90% मान लो, वहाँ पर जो आइटम हमें मिल रही थी ना वो थी लेडीज़ की, मतलब हमारे लड़कों के लिए इतना कुछ खास था नहीं वहाँ पर। और भाई साहब जितने भी सारी प्रोडक्ट जितने भी वैरायटी हमने देखी नहीं वो सारी लेडीज़ की आइटम ही ज़्यादातर थी वहाँ पर। और मेले में घूमने का काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया और अच्छा भी लगा। कुछ 8-10 दिन का प्रोग्राम होता है और सांस्कृतिक प्रोग्राम वगैरह काफ़ी अच्छे होते हैं। और जिस दिन हम गए उस दिन वसुदेव कुटुंबकम करके कुछ टॉपिक पे प्रोग्राम चल रहा था, कोई इंटरनेशनल बैंड था एक जो इसकी प्रस्तुतियां दे रहा था और काफ़ी देर तक एंजॉय किया वहाँ पर सारे दोस्तों ने मिलकर, नाश्ता वगैरह किया, काफ़ी घूमे उदयपुर में। उसके बाद भाई साहब रात को 11-12 बज गई घर पर आते आते तो फाइनली आ गए और भाई साहब काफ़ी मस्त वाला एक्सपीरियंस रहा और काफ़ी चीज़ें देखने को मिली, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें।